पास्ता रेसिपी। पास्ता रेसिपी के लिए हमने टमाटर काट लिए हुए हैं, हरी मिर्ची और हरा लहसुन और पत्ता गोभी। ये हमारा एक मसाला मैगी मसाला। हमने प्याज और मटर उबाल लिए। पास्ता हमने उबाल के रख लिए हैं और हमने गैस चढ़ा दी है कढ़ाई में। अब हम गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। तेल हमारा हो गया है गरम। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले मिर्ची। मिर्ची हमने डाल दी है। हमने प्याज और लहसुन डाल दिया है और हम इसे सिकने तक चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हमने डाल दिया है। अब हम इसे चलाएंगे। अब हम इसे सिकने देंगे धीरे धीरे थोड़ी देर तक। अब ये सिक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे थोड़ी देर तक। इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। हम डालेंगे मैगी। हमने पास्ता और मटर डाल दिए हमने चलाने का नमक। पास्ता हमारा हो गया है रेडी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर। कोरिएंडर भी हमने डाल दिया हुआ है। अब हम इसको सर्व करेंगे। पास्ता हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पर।